किसानों के अत्याचार पर चिंतन बैठक आज। जी हाँ, बुलंदशहर जनपद के स्याना तहसील के ग्राम गनसुरपुर में लोकदल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों पर चिंतन किया और आसपास के किसानों की समस्याओं को सुना। पूर्व विधायक दिलन बाज खान ने बताया कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन और किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बैठक में चिंतन किया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचना देने के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया जाएगा। बुलंदशहर से संवाददाता बंटी कुमार के साथ शिवा मालिक की रिपोर्ट। दिलनवाज खान, पूर्व विधायक सियाना। कौन सा पद आपका इसमें? मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक सबसे छोटा सा कार्य आया हुआ था, तो यहाँ मैं पारुल प्रधान जी से मिलने आया हुआ था और यहाँ किसानों का दर्द जानने आया हुआ था कि भाई यहाँ पे गेहूँ धुला है किसानों का या नहीं। ये किसान इतने परेशान हो रहे हैं, धरना से चल रहा है, वो इसमें आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरने तो हर जगह चल रहे हैं, गेहूँ को लेकर भी धरना चल रहा है। अभी मौजूदा विधायक जी ने एक लेटर लिखा था डीएम साहब को और उसमें ये लिखा था कि भाई किसान सड़कों पे है, 20 दिन से उसका गेहूं नहीं धुल रहा। तो उसके बाद हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि भाई तब सत्ताधारी विधायक ये कह रहे हैं कि किसान सड़कों पे है तो इसका जिम्मेदार कौन है। उसके अगले दिन विधायक जी ने अपने ही लेटर का खंडन कर दिया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? किसान पूरा परेशान है, उसका गेहूं नहीं तुला और जो तुलना चाहिए था कहीं पे भी नहीं तुला है, सिर्फ दिखावा हो रहा है और कहीं बेचारा किसान 10-10 दिन तक लाइन लगा के अपना गेहूं बेचने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन उसका बिका नहीं। अब पोल भी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया है।